हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल कंक्रीट में लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है, सिलिका फ्यूम कंक्रीट क्या होते हैं, जो हमारे स्पेशल कंक्रीट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फाइबर्स कंक्रीट जो हमारे रेडीमिक्स कंक्रीट हैं आरएमसी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, फाइबर कंक्रीट के बारे में हमने डिस्कस किया तो और स्पेशल कंक्रीट के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारे स्पेशल कंक्रीट रहेंगे जैसे हम बात करें पॉलीमर कंक्रीट की तो पॉलीमर कंक्रीट के बारे में देखते हैं क्या रहेंगे पॉलीमर कंक्रीट। स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी, तो स्पेशल कंक्रीट में हम कंसीडर करते हैं पॉलीमर कंक्रीट को। तो क्या होता है पॉलीमर कंक्रीट, तो द पोरोसिटी इन कंक्रीट इज ड्यू टू द एयर वॉइड्स, तो एयर वॉइड्स के कारण पोरोसिटी होती है, तो वाटर वॉइड्स इज ड्यू टू द इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ जेल स्ट्रक्चर इटसेल्फ, तो उसकी जो जल होती है स्ट्रक्चर की जो उसकी वजह से हमारे जो वाटर वॉइड्स हैं उसमें क्या होती है हमारे पॉलीमराइजेशन हमारे जो अचीव किया जा सकता है अगर हम पॉलीमर कंक्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि रेडिएशन मेथड है, जब हम बात करें थर्मल कैटलिटिक जो रिएक्शंस वगैरह से हम क्या कर सकते हैं जो पॉलीमर कंक्रीटिंग है पॉलीमराइजेशन है जो हम अचीव कर सकते हैं। तो क्या होता है पॉलीमर कंक्रीट, सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीमर कंक्रीट के बारे में, द पोरोसिटी इन कंक्रीट, तो पोरोसिटी इन कंक्रीट इज ड्यू टू एयर वॉइड्स, इज ड्यू टू एयर वॉइड्स, एयर वॉइड्स की वजह से क्या होगा पोरोसिटी रहती है कंक्रीट में, ठीक है, और जो हमारे वाटर वॉइड्स, वाटर वॉइड्स की वजह से वाटर वॉइड्स और जो पोरोसिटी कंक्रीट में किसकी वजह से होती है एयर वॉइड्स के कारण वाटर वॉइड्स के कारण और इनहेरेंट पोरोसिटी, इनहेरेंट पोरोसिटी, इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ जेल स्ट्रक्चर इटसेल्फ, ऑफ जेल स्ट्रक्चर इटसेल्फ, ठीक है जी, और जो हमारे कंटिन्यूअस रिसर्च इन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी हैज सम आउटकम, ठीक है, विद ए न्यू एंड इंप्रूव्ड जो हमारा वर्जन है कंक्रीट का उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीमर कंक्रीट, ठीक है जी, तो कंटिन्यूअस रिसर्च इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी हैज कम आउट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हैज कम आउट जो हमारी विद न्यू एंड इंप्रूव्ड टेक्निक्स, विद न्यू एंड इंप्रूव्ड इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ कंक्रीट, वर्जन ऑफ कंक्रीट इज नोन एज पॉलीमर कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, तो हमारी जो पोरोसिटी कंक्रीट में किसके कारण होती है एयर वॉइड्स के कारण या वाटर वॉइड्स, और जो हमारी ड्यू टू इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ जेल स्ट्रक्चर इटसेल्फ, तो इसकी खुद की जो पोरोसिटी जेल स्ट्रक्चर की उसके कारण ये हमारी क्या पोरोसिटी आती है कंक्रीट में, तो एक कंटिन्यूअस रिसर्च हुई कंक्रीट टेक्नोलॉजी में और एक जो हमारी न्यू और इम्प्रूव्ड वर्जन है कंक्रीट का हमारा जो हमारा पॉलीमर कंक्रीट जिसको हम नाम लेते हैं, तो पॉलीमर कंक्रीट एक कंपोजिट कंक्रीट है वेयर द इन द पॉलीमर रिप्लेस द सीमेंट वाटर मैट्रिक्स इन द सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट कंक्रीट में जो पॉलीमर है सीमेंट पे सीमेंट की जगह पे हम पॉलीमर यूज करते हैं, तो इसमें एक एडवांस और इंप्रूव्ड टेक्निक है कंक्रीट की, ठीक है, इस तरह की कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं पॉलीमर कंक्रीट, तो क्या पॉलीमर कंक्रीट इज ए कंपोजिट
पॉलीमर कंक्रीट इज ए कंपोजिट कंपोजिट पॉलीमर वेयर इन द पॉलीमर रिप्लेसेस वेयर इन द पॉलीमर रिप्लेसेस द सीमेंट वेयर द पॉलीमर जो हमारे रिप्लेसेस द सीमेंट वाटर मैट्रिक्स सीमेंट वाटर मैट्रिक्स इन द सीमेंट कॉन्क्रीट इन द सीमेंट कॉन्क्रीट. तो एक हमारी जो पॉलीमर कॉन्क्रीट एक कंपोजिट है जिसमें पॉलीमर रिप्लेसेस होते हैं इन द वॉटर मैट्रिक्स इन द सीमेंट कॉन्क्रीट. ठीक है, तो हमारी जो रिडक्शन ऑफ द पॉलीमर इन कॉन्क्रीट रिड्यूसेस द वॉइड्स एंड हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस. तो जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे पॉलीमर्स को तो जो वॉइड्स हैं जो पोरोसिटी आ जाती है ड्यू टू द एयर वॉइड्स वाटर वॉइड्स या हमारे पोरोसिटी जेल जो इटसेल्फ स्ट्रक्चर की जो पोरोसिटी जेल्स है उसकी वजह से भी आती है. तो जब हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं पॉलीमर्स का तो इसे वो जो एयर वॉइड्स हैं वो क्या होते हैं निगलेक्ट होते हैं रिड्यूस होते हैं और जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती है. तो इस तरह की जो कॉन्क्रीटिंग है पॉलीमर कॉन्क्रीटिंग मोस्ट यूजफुल रहेगी. तो पॉलीमर कॉन्क्रीट induction of polymer reduces the induction of polymers reduces the voids and increase the strength of the concrete increases the strength of the कॉन्क्रीट. तो कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल रहता है पॉलीमर कॉन्क्रीट. तो जो हमारी पॉलीमराइजेशन इज द लेटेस्ट टेक्निक टू रिड्यूस द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स. तो एक जो पॉलीमराइजेशन है एक लेटेस्ट टेक्निक है जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉन्क्रीट मिक्स की उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको इंक्रीज करने के लिए हमें एक यूजफुल टेक्निक रहती है. हमारे जो यूजफुल कंक्रीट रहता है उस तरह की कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं पॉलीमर कंक्रीट. तो पॉलीमर कंक्रीट को जो पॉलीमराइजेशन है जो पॉलीमर कंक्रीट है इसको अचीव करने के लिए हम तीन मेथड्स का यूज करते हैं. रेडिएशन मेथड है ठीक है. तो रेडिएशन मेथड के अकॉर्डिंग हम पॉलीमराइजेशन को करवा सकते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स में. और दूसरे मेथड हमारे यूज कर थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं. और थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड फॉर अचीविंग द पॉलीमराइजेशन थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन रेडिएशन मेथड और कैटलिस्ट प्रोमोटर रिएक्शन कैटलिस्ट प्रोमोटर रिएक्शन. ठीक है जी. तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है जो यूज कर सकते हैं फॉर अचीविंग द पॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉलीमर कंक्रीट रहता है. तो इसके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंक्रीट की जो पॉलीमर कंक्रीट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी इसके बारे में जान लेते हैं. और जो हमारे मेन यूज क्या है कंक्रीट पॉलीमर कंक्रीट का इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी पॉलीमर कंक्रीट की इसके बारे में देखते हैं. और यूज कहां पे हम कर सकते हैं हमारे यूजफुल पॉलीमर कंक्रीट. सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑफ पॉलीमर कंक्रीट. ठीक है जी, तो पॉलीमर कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एडिशन ऑफ पॉलीमर रिड्यूस परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. एडिशन ऑफ पॉलीमर reduces the permeability of concrete. तो concrete की permeability को
रिड्यूस किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर जब ऐड करते हैं कंक्रीट मिक्सर में, ठीक है, तो हमारी जो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, और डील वेट ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस बाय द वेट ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस बाय 6% to 8%। तो 6 से 8% जो अगर मैं बात करूं 6 से 7% तो 6 to 7% जो वेट है कंक्रीट का वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एडिंग द पॉलीमर्स इन द कंक्रीट मिक्स। और जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीमर इन कंक्रीट इंक्रीजेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर कंक्रीट इंक्रीजेस बाय 100%। जो हमारी 100% to 150% जो हमारी इंक्रीजिंग है, करेक्ट, जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है पॉलीमर कंक्रीट की रहेगी। तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो पॉलीमर कंक्रीट की रहती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है पॉलीमर कंक्रीट की। उसके बाद बात करूं तो जो हमारे पॉलीमर कंक्रीट है तो इनकी जो फेलियर क्या है, फेलियर ब्रिटल इन नेचर नियर अप टू द फेलियर। तो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें पॉलीमर कंक्रीट प्रोवाइड करता है और हमें ब्रिटल फेलियर से होने से बचाता है। तो हमारी जो पॉलीमर कंक्रीट है हार्डनेस इंक्रीजेस होती है, द इंपैक्ट हार्डनेस इंक्रीजेस बाय द इंपैक्ट हार्डनेस इंक्रीजेस बाय इन द पॉलीमर कंक्रीट 50 to 90% जो इंपैक्ट इन हार्डनेस है वो भी इंक्रीज होती है इन द पॉलीमर कंक्रीट, ठीक है, 50 to 90% इंपैक्ट हार्डनेस। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पॉलीमर कंक्रीट की रहती है। जैसे मैं बात करूं वाटर अब्जॉर्प्शन इज फाउंड टू बी डिक्रीज अप टू 80% to 100%। तो 100% से 80% to 100% तक जो वाटर की अब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। वाटर अब्जॉर्प्शन इज फाउंड टू बी डिक्रीज द वाटर अब्जॉर्प्शन is found to be decreases. तो कितनी डिक्रीज की जा सकती है, 80% to 100% जो वॉटर हमारी एब्जॉर्प्शन है पॉलीमर कंक्रीट में डिक्रीज की जा सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है फॉर द पॉलीमर कंक्रीट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डक्टिलिटी की या इंपैक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की, तो डक्टिलिटी भी इंप्रूव्ड होती है जो पॉलीमर कंक्रीट की अच्छी रहती है, और जो हमारी रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द इंपैक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट भी हमारी जो रेजिस्टेंस है प्रोवाइड करने में हेल्प करती है पॉलीमर कंक्रीट, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं एप्लीकेशंस की, तो क्या मेन एप्लीकेशंस रहती हैं पॉलीमर कंक्रीट में। जैसे मैं बात करूं ये हमारी जो मरीन वर्क्स हैं, ठीक है, तो मरीन वर्क्स में हमारी जो पॉलीमर कंक्रीट है मोस्टली यूज की जाती है, क्योंकि इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जहां हमारी जो कॉम्पैक्ट हार्डनेस है बहुत ज्यादा रहती है, 50% to 90% जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल कंक्रीट से, ठीक है। और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है जब हम बात करें डक्टिलिटी की वो भी इंप्रूव्ड रहती है हमारे पॉलीमर कंक्रीट की। तो बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर कंक्रीट। तो पॉलीमर कंक्रीट की एप्लीकेशंस क्या है, इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर मैरीन वर्क। तो मैरीन वर्क्स में एक सुटेबिलिटी जो है अच्छी रहती है हमारे पॉलीमर कंक्रीट की। उसके बाद बात करूं जो वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए भी हमारी बेस्ट सुटेबल है फॉर वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर। वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर के लिए पॉलीमर कंक्रीट बेस्ट सुटेबल रहती है हमारी एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो पॉलीमर कंक्रीट की। उसके बाद बात करूं जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी हम यूज करते हैं,
प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है जी। और मैं बात करूं जो हमारे एप्लीकेशंस है पॉलीमर कंक्रीट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन में भी हमारी जो एप्लीकेशन रहेगी पॉलीमर कंक्रीट की, और रिपेयरिंग डैमेज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल मेंबर, रिपेयरिंग डैमेज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल मेंबर, तो डैमेज कंक्रीट स्ट्रक्चरल मेंबर रहेंगे उनको भी रिपेयरिंग करने के लिए हम यूज इसका जो एप्लीकेशन है पॉलीमर कंक्रीट का रहेगा। और जो हमारी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एटसेट्रा, तो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस रहेंगी, मेन एप्लीकेशंस रहेंगी हमारे पॉलीमर कंक्रीट की। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लाई ऐश कंक्रीट क्या रहेगा और सिलिका फ्यूम कंक्रीट क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा पॉलीमर कंक्रीट और क्या एप्लीकेशंस हैं, मेन एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं और हमारे जो पॉलीमर कंक्रीट हैं क्या होते हैं जब हम ऐड करते हैं कंक्रीट मिक्स में पॉलीमर, और ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ है एयर वॉल्स को डिक्रीज किया जा सके और पोरोसिटी को डिक्रीज किया जा सके और वाटर अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो हम पॉलीमर कंक्रीट एक बेस्ट सूटेड कंक्रीट है फॉर मैरीन वर्क्स, ठीक है, एंड फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्री स्ट्रक्चर्स, जो हमारे कंक्रीट है जो वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हमारे जो डैमेज ऑलरेडी डैमेज कंक्रीट है उसकी रिपेयरिंग के लिए हम यूज करते हैं पॉलीमर कंक्रीट का। तो नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं जो हमारे फ्लाई ऐश कंक्रीट है, तो फ्लाई ऐश कंक्रीट क्या रहेगी, फ्लाई ऐश कंक्रीट के बारे में जान लेते हैं। फ्लाई ऐश कंक्रीट क्या होता है, द फ्लाई ऐश और पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश, द फ्लाई ऐश इज द रिड्यूस फ्रॉम द कंबस्टन ऑफ इज द रेजिड्यू, रेजिड्यू फ्रॉम द combustion, combustion of pulverized coil coal, तो हमारी फ्लाई ऐश रेजिड्यू क्या है, जब हम इसको PFA भी बोलते हैं, पोलराइज्ड कोयल ऐश, जो ऐश रहेगी कोल ऐश रहेगी, तो इसका रेजिड्यू क्या है, कंबस्टन होता है जब पोलराइज्ड कोल का, ठीक है, कोल कलेक्टेड बाय द मैकेनिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोल कलेक्टेड बाय मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर फ्रॉम द फ्यूल गैसेस, सेपरेटर फ्रॉम द फ्यूल गैसेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है जी, अबाउट 85% to 98% ऑफ ऐश, अबाउट 85% to 98% ऑफ फ्यूल ऐश
ऑफ द एश फ्रॉम द फ्यूल गैसेस ऑफ द एश फ्रॉम द फ्यूल गैसेस फ्रॉम द फ्यूल गैसेस इज रिट्रीव्ड इन द फॉर्म ऑफ fly ash, account for 70% to 80% of total coal ash, 80% of total coal ash, ठीक है जी। तो हमारी जो फ्लाई ऐश है, जब हम इसको नाम देते हैं PFA, यानी कि पल्वराइज्ड फ्यूल गैस जो रहेगी, इसको हम और क्या नाम देते हैं, पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश, PFA, ठीक है। तो ये हमारी जो पल्वराइज्ड फ्यूल ऐशेस है, जो फ्यूल फ्लाई ऐश है, इसका रेजिड्यू क्या है, जो कंबस्टन होती है हमारे पल्वराइज्ड कोल की। तो कोल की जब कम्बस्टन होती है बाय द मैकेनिको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेपरेटर्स द्वारा फ्रॉम द फ्यूल गैसेस, तो फ्यूल गैसेस के की जो सेपरेटर्स होती है मैकेनिकल और सेपरेटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर से जो पोलराइज कोल की कम्बस्टन होती है, ठीक है, उसे हमारे जो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश की जो हमें ऑब्टेन होती है, तो थर्मल पावर प्लांट से फ्यूल गैसेस जो क्रिएट होती है थर्मल पावर प्लांट में, तो अबाउट 85% to 98% ऑफ द ऐश फ्रॉम द फ्यूल गैसेस इज रिट्रीव्ड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश की जो हम देते हो 70 to 80% जो टोटल कोल ऐशेस है, तो 70 to 80% हमारी क्या है, फ्लाई ऐश कंटेन करती है। तो इस तरह की जब हम कंक्रीट में, कंक्रीट मिक्स में फ्लाई ऐश मटेरियल जो एक वेस्टेज मटेरियल है फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, जो जिसका रेजिड्यू क्या है, कंबस्टन ऑफ द पोलराइज्ड कोल, तो पोलराइज्ड कोल की जो कंबस्टन की वजह से हमें प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल जो ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश। ये हमारी ऑब्टेन किया जाता है जब मैकेनिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर द्वारा जो हमारी फ्यूल गैसेस जो थर्मल पावर प्लांट में रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो फ्लाई ऐशेस वेस्टेज मटेरियल हम ऐड करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स, ठीक है, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की उसको इंप्रूव किया जा सके। तो इस तरह की कंक्रीट को हम क्या नाम देते हैं, फ्लाई ऐश कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिलिका फ्यूम कंक्रीट की। तो सिलिका फ्यूम कंक्रीट क्या रहते हैं, सिलिका फ्यूम कंक्रीट देखते हैं, सिलिका फ्यूम कंक्रीट क्या है। सिलिका फ्यूम इज बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज। तो हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज विद कोल जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से, मतलब जब हम सिलिकॉन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो एक बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है फ्रॉम द हाई प्योरिटी क्वार्ट विद कोल से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से, ठीक है, जब हम सिलिका स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये जो वेस्टेड मटेरियल है, तो ये हमारा क्या है, द जो कलेक्टेड और जो कंडेंस्ड हमारी जो फ्यूम्स रहती हैं, तो इस तरह की जो फ्यूम्स हैं, जो वेस्टेड बाय प्रोडक्ट है जो हमारे हाई प्योरिटी क्वार्ट विद कोल का, तो उस तरह की बाय प्रोडक्ट हम क्या नाम देते हैं, सिलिका फ्यूम। तो सिलिका फ्यूम जो कंक्रीट मिक्स में हम ऐड करेंगे, तो इस तरह की कंक्रीट को क्या नाम देते हैं, सिलिका फ्यूम कंक्रीट, ठीक है। तो सिलिका फ्यूम इज ए बाय प्रोडक्ट, इज ए बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ high purity quartz, and with coal, high purity quartz with coal in electric arc furnace
इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हमारी जो क्वार्ट्ज कोल है उससे रिडक्शन की जाती है, तो वो एक बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो इस बाय प्रोडक्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, इस बाय प्रोडक्ट्स की जो बाय वेस्टेज मटेरियल रहता है हमारे जब हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्वार्ट्ज विद कोल की रिडक्शन होती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सिलिका फ्यूम। ठीक है, इस बाय प्रोडक्ट को, ठीक है जी। तो ये हमारा जो फ्यूम्स है, द फ्यूम्स आर कंडेंस्ड, द फ्यूम्स आर कंडेंस्ड, द फ्यूम्स आर कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड बाय filtering the gases from the furnace, filtering the gases from the furnace, furnace से जो gases filtering से हमें fume क्या है collected की जाती है और condensed की जाती है, तो इस तरह की हम क्या बोलते हैं, condensed सिलिका फ्यूम्स। दिस सिलिका फ्यूम क्या है, बाय प्रोडक्ट है, एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज विद कोल की रिडक्शन की रिडक्शन जो होती है इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जो हमें वेस्ट मटेरियल ऑब्टेन होता है उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सिलिका फ्यूम। तो सिलिका फ्यूम का जो यूज है जब हम कंक्रीट मिक्स में ऐड करते हैं सिलिका फ्यूम को, तो इस तरह की कंक्रीट को हम क्या नाम देते हैं, सिलिका फ्यूम कंक्रीट। तो ये हमारे क्या है, स्पेशल कंक्रीट हमने डिस्कस की है, स्पेशल कंक्रीट हमने वन बाय वन डिस्कस की है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर क्या है, कंक्रीट होता है। तो हमने सारी की सारी स्पेशल कंक्रीट थी, चाहे हम रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करें, सिलिका फ्यूम कंक्रीट की बात करें, फ्लाई ऐश कंक्रीट की बात करें, ठीक है, और फाइबर कंक्रीट की बात करें, तो स्पेशल जो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की बात करें, हॉट वेदर कंक्रीटिंग की बात करें, चाहे हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग की बात करें, ये सारी स्पेशल कंक्रीट में कंसिडर की जाती है। ठीक है जी।